नेताजी परे पूरे हो इधर आ जाओ बल्ले के सामने राजा के हुआ है भाई जीता जान दो भाई अब हमें केक काटना है और केक भी मैं या 36 बिरादरी में जो भी सबसे बुजुर्ग आदमी है मेरा कोई देवता जो सबसे बड़ी उम्र का है यहां वो आए और अटल जी का केक काटे और वो फूल भी लिया भाई तो किसी तरह की मेरे से गलती होगी हो किसी के साथ कभी बुरा हुआ हो तो वो भी खड़ा होकर बता सकता है मुझे कोई नेता नहीं मिलेगा तुम्हें जो पूरी स्टेज पे ये कह दे कि मेरी गलती बता दो उस देवता को भगवान मान लूंगा स्टेज पे जाते हुए पत्रकारों से बात करते हुए डरते हैं नेता लेकिन करतार सिंह बड़ाना कभी नहीं डरता है क्योंकि साफ सेवा करता है और स्वार्थ के लिए नहीं उस परमपिता परमात्मा के हुक्म से करता है कि हो सकता है इस जन्म में नहीं तो पिछले जन्म में कोई कर्ज रहा हो और वो उतर जाएगा अगर किसी की बद्दुआ मिल गई और किसी का कर्ज ले लिया तो वो फिर चुकाने फिर आना पड़ेगा चलो तो इसी के साथ में सबके पैर छूते हुए और भाई अगर किसी को गलती होगी हो तो उसके लिए भी क्षमा चाहूंगा और ये जो केड़ा रुपए को भाग रहे थे वो केड़ा तुम्हारे लिए ही है क्योंकि हो सकता है ये अगर बाकी रह गया कर्ज तो फिर आना पड़ेगा और फिर चुकाना पड़ेगा सभी भाइयों से कहता हूँ प्रार्थना भी करें अटल जी के कि उनको हमेशा अपने चरणों में जगह देके रखे और सभी भाइयों से विनती है कि वो दुआ भी करें इसके लिए और केक को काटने का केक भी खाओ और ये जो भी है क्योंकि खाने का नाम मैं लिया नहीं करता क्योंकि खाना तुम्हारा है देने वाला वो है कई लोग तो यही कह देंगे पत्रकार भाइयों को बताना चाहता हूँ कि मैंने अब तक ये भी जिक्र नहीं किया कि मैंने वो चाय भी पिलाई है कि नहीं पिलाई नहीं तो लोग कह देते कोई कह देते रागड़ी की वजह से लोग इकट्ठे हो गए होंगे कोई कह देते हैं कि वो खाने के लिए हो गए होंगे लेकिन मैंने किसी भाई को भी ये नहीं बताया कि तुम्हें चाय भी मिलेगी तो इसके बाद में केक काट के केक खाओ और उसके बाद जैसी चाय पानी है क्योंकि आज आप जन्मदिन में आए किसी रैली में या किसी नेता के लिए नहीं आए तो अपनी चाय पानी भी पी के जाए और फिर भी कोई गलती रहेगी हो तो बेशक मुझे फोन पे बता देना अगर कोई बाकी किसी का कर्ज भी बीच में रह गया हो तो उसे भी बता देना और जितने भाई बुजुर्ग मेरे आए हैं भाई सदाई मैं उनका आभारी रहूंगा और जब तक जीऊंगा जब तक तो सेवा करूंगा
बाद में भी करूंगा। लेकिन लोगों ने बहुत कोशिश की है, हेलीकॉप्टर रोकने की करी है लोगों को, नौ तो बीजेपी के, चार बसपा के और दस लोक दल और गठबंधन के। वो सारे लोग लग रहे थे कि आदमी ना आ जा, कभी करतार ना आ जा। अरे करतार, ये करतार ना सही, वो करतार तो हमेशा रहता है। तो यह करतार है तो रोकेंगे, लेकिन उस करतार को कैसे रोकेंगे। तो इसी के साथ पैर छू के प्रणाम, जय हिंद, जय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिन अमर रहे। तो मेरे लोग आए हैं, ये तो वो है जो रोकने से भी ना रुके। तो मैं ज्यादा तो बोलने की मेरी आदत नहीं है, पर मैं इतनी बात जरूर कहूंगा कि अटल जी के साथ कभी कभी बैठने का मौका मिला, थोड़ा पानी दे दीजिए, कभी कभी बैठने का मौका मिला तो उनके दो खाप थे, और खाप क्या थे, एक तो ये खाप था कि पूरे देश के अंदर हाईवे बनने चाहिए, हर गांव तक सड़कें बननी चाहिए, और दूसरा उसके लिए भी है आज के प्रधानमंत्री जी से प्रार्थना करता हूं आपके माध्यम से कि उनका दूसरा सपना था कि इस देश की नदियां, हर नदियां से नदियों को मिला दिया जाए तो ना तो सूखा होगा और नहीं कहीं पे बाढ़ आएगी। वो सपने के लिए मैं आप सबकी तरफ से प्रार्थना करता हूं प्रधानमंत्री जी से कि उस सपने को अगर पूरा कर देंगे तो अटल जी का जन्मदिन साकार हो जाएगा, इससे बड़ा जन्मदिन कोई नहीं मनाया जाएगा। बाकी कतौली वालों का मुझ पे बड़ा भारी एहसान है, उसको मैं कभी भी नहीं भूलता हूं, और यहां से स्टेज पे हूं, मेरे ईमानदारी से यहां से कोई इलेक्शन लड़ने का कतई कोई मकसद नहीं है। अगर मेरा यहां कोई मकसद होता तो दो दिन पहले नहीं होता, मैं तीन दिन पहले जब आया था उस दिन दिल में आया था कि मैं जन्मदिन मनाना है और खतौली जाना है। तो ये भी हो सकता है कि खतौली मैं बहुत दिन, 5 साल इनकी सेवा करके गया हूं। कई भाई ये भी कहते थे, क्योंकि राजनेता जो टिकट मांगने वाले जो होते हैं ना, उसको जो है ना कैंडिडेट अच्छे नहीं लगते हैं। तो करतार सिंह बड़ाना, आपका अगर कोई कर्ज ले गया है तो अभी अगर नहीं चुका तो अगले जन्म में चुका देगा, और अगला जन्म नहीं हुआ उसकी कृपा से तो ऊपर से भी चुकाएंगे। तो सच तो यही है कि कर्ज चुका के जाएगा तो तुम्हारा इस दुनिया में नहीं आएगा। कई भाई, क्योंकि ये प्रोग्राम में आने का सिर्फ यही मकसद था कि हो सकता है कुछ बाकी रह गया हो खतौली वालों का, क्योंकि दाने पानी का रिश्ता है, खिलाने और खाने का रिश्ता है, तो हो सकता है फिर क्या आना ना मिले, चांद ये बहाने आ गया हूं। तो सभी मेरे बुजुर्गों को और भाइयों को जो यहां आए हुए, मैं उनको इतना कहना चाहता हूं कि मैंने 5 साल आपकी सेवा की, कोई सत्ता तो मेरी थी नहीं, लेकिन अगर मेरी ईमानदारी में कोई कसर बाकी रह गई है, मैंने कोई गलती की है खतौली के किसी भी व्यक्ति के साथ, अगर कोई विधायक की है तो वो मुझे खड़ा होके बता दे
कि मैंने कोई गलती की है तो उसकी जूतियां खाऊंगा यहां अभी खड़ा होकर, नहीं तो हाथ उठा के बता दे कि मैंने सच्चाई से 36 बिरादरी की सेवा करी है, तो हाथ उठा के बता दे। तो मैं ज्यादा बोलने का आदि नहीं हूं, और जो सब मेरे हम उम्र है उनको मैं प्रणाम करता हूं। और आज ऐसे व्यक्ति अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है, और उस जन्मदिन को मनाने के लिए हम सब इकट्ठे हुए हैं। मुझे झूठ बोलना नहीं आता है। ये दो दिन पहले मुझे ऊपर वाले का कुछ ऐसा इशारा हुआ, या तो तुम्हारा मुझ पे कर्ज बाकी था या अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपना जन्म मनवाना। मुझे ये नहीं पता था कि जन्मदिन में भी लोग राजनीति करेंगे, मैं ये नहीं जानता था। लेकिन राजनीति इतनी घटिया हो गई है कि ऐसे व्यक्ति अटल बिहारी वाजपेयी जो 36 बिरादरी के नेता थे उनके भी जन्मदिन पर राजनीति कर गए लोग। लेकिन मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता। अब मैं जन्मदिन मनाने वाला था अकेला, नेताओं में जनता में नहीं, जनता तो बहुत है, लेकिन मुझे यह पता नहीं थी कि यहां के सारे नेता ये जन्मदिन में भी राजनीति करेंगे। नहीं, मैं घर चला जाता लोगों के तो सारा खतरा नहीं निकल के बाहर आ जाता। अगर नहीं आता तो राजनीति से संन्यास ले लेता। इसलिए मुझे नहीं मालूम था यहां तक कि एक हेलीकॉप्टर के परमिशन भी नहीं होने दी, भले हाली जैसे तैसे करके परमिशन करवाई, इतने मौसम दिल्ली का खराब हो गया। अब मुझे तो आपके दर्शन करने आना था, फिर मैं तो गाड़ी से भागा, पर वो हो सकता है जब मैं आ लिया हूं अब वहां परमिशन भी मिल जाए, ये हो सकता है कि वहां परमिशन मिले और वो आए। तो मैं ये था कि हेलीकॉप्टर का सिर्फ मकसद ये था कि वो अटल जी के ऊपर से फूल बरसा देता तो मेरी इच्छा पूरी हो जाती, लेकिन उसको भी रोक दिया। यह कोशिश की गई है। अब देखो बीजेपी के 9 कैंडिडेट, बीजेपी से 9 आदमी टिकट मांग रहे हैं, लेकिन अब मैं उनको बताता हूं कि वो 9 जो पार्ट देख रहे हैं ना और जिनने कोशिश की है रोकने की, वो टिकट की आस ना करें। अब तो जो कैंडिडेट है या बीजेपी का भाई टिकट उसी को मिलेगा, ये भी तुम्हारे सामने कह दिया जाओ। सरकार बढ़ाना, क्योंकि लोगों ने इसलिए यह जनता रोकने की कोशिश की है कि कहीं कोई मैं टिकट का दावेदार तो नहीं था, लेकिन वो अगर कोशिश करते तो शायद उनका कहीं का नंबर लग जाता। लेकिन मेरा तो पहले भी नंबर नहीं था, मैंने तो पार्टी की तरफ से तो तुम्हें पता है कि जन्मदिन ही नहीं मनाया, मैंने तो अटल जी का जन्मदिन मनाया है। और जिस दिन मैं पार्टी की तरफ से आऊंगा ना तो इसकी तो बात क्या पूरी खतौली भर जाएगी, ये भी मुझे पता। प्रयास जारी रहेगा अजी, आपका प्रयास आगे भी जारी रहेगा? नहीं, प्रयास जारी क्या है, मैंने ये तो बोल दिया कि अब तो टिकट वाइज मिलेगा जो यहाँ से है। आप जनसभा में पहुंचे हैं, आप कांग्रेस में लगाए हुए पोस्टर पे एक बार निगाह डालिए।
हाँ जी आपके आप जनसभा में पहुंचे हैं अटल बिहारी जी के आपने एक बार उन पे बताइए क्या वजह है क्या लिखा है हेलो बिहारी हाँ आप एक बार पोस्टर पूरी तरह पढ़ लीजिए अटल जी के नाम पर बिहारी तो आप बता दो ना मुझे क्या अटल बिहारी जी की जगह अटल बिहारी जी की जगह अटल बिहारी वाजपेयी लिखा है पे आगे डंडा नहीं है अब ये तो जो ना लिखने वालों की गलती हो जाती है उसके लिए देखो सारे देश जानता है कि अटल बिहारी वाजपेयी तो वाजपेयी है। जी आप ये बात क्लियर करो कि आप खतौली से टिकट लेके चुनाव लड़ रहे हैं भाजपा से नहीं लड़ रहे मैं नहीं लड़ रहा हूँ बिल्कुल अभी किसी से भी टिकट लेके नहीं लड़ रहा हूँ संभावना है संभावना तो ये हो सकता है कि ऊपर वाले की मर्जी आए तो दो दिन में यहाँ भेज दिया तो क्या पता इनकी सेवा बाकी लिख रही हो तो कभी भी हो सकता है मेरा अभी चुनाव का कोई फैसला नहीं जिस तरह से आपका विरोध आज हुआ कि बीजेपी नेताओं ने किया है आपका हेलीकॉप्टर नहीं बनने दिया चुनौती मान लें ऐसा है चुनौती तो ऊपर वाला देगा जिन जिन ने कोशिश की है ना वो साफ हो जाएंगे हर दल से कहीं ना कहीं आप एक्टिव मोड में दिखाई दे रहे हैं मैं कह रहा हूँ कि वो हर दल से साफ हो जाएंगे ये मेरा वो कह रहे शराब है ये मेरा जी सबसे पहला सवाल तो ये है कि आप अचानक से राष्ट्रीय लोकदल से भाजपा के अटल बिहारी जी का जन्मदिन मनाने आए क्या आपकी कुछ वहाँ पे ऊपर बात हुई है कि आप पार्टी में आ चुके हो टिकट मिल रहा है आपको भैया मेरा कोई पार्टी से बात नहीं हुई और तो आपको दिख नहीं रहा कि किस तरीके से मैंने सिर्फ अटल बिहारी वाजपेयी का ही फोटो लगाए हैं वो तो प्रधानमंत्री जी के और उनके जो फोटो हैं यहाँ के किसी नेता का फोटो नहीं है क्योंकि उनके तो क्योंकि देश के प्रधानमंत्री है इसलिए मैंने लगा दिया वो मुख्यमंत्री है मैं राष्ट्रीय लोकदल दो दिन पहले चौधरी चरण सिंह जी का जन्मदिन था उनका नहीं मनाया ऐसा पहले मैं बीजेपी पे हूँ 3 साल से मैं लोकदल में नहीं हूँ विधायक जी सबसे पहले प्रोग्राम के बारे में बताएं और एक आप आपकी एक पीड़ा इस प्रोग्राम को लेकर भी दिखाई दी मन से हाँ जी क्या पीड़ा थी ये था मैंने लिख भी दिया है कि ऊपर वाले का परम पिता परमात्मा का कोई इशारा हुआ और उनने मुझे इस बात का इशारा किया कि आपने उनका जन्मदिन मनाना है और खतौली में एक दिन जाना है तो वो सोच के 3 दिन पहले मुझे ऐसा आभास हुआ और उस आभास की वजह से मैं यहाँ जन्मदिन मनाना है विरोध किसने किया रोकने का जो प्रयास है भैया रोकने का इसलिए हुआ कि लोग सोच रहे कि ये कहीं टिकट लेने ना आया हो ये कहीं है लड़ने ना आया हो तो ये तो उनका फर्ज भी है उनका हक भी है कि जो यहाँ टिकट मांग रहे हैं उनको ये लग रहा था कि करतार आ गया तो लाइन में कहीं आगे ना आ जाए सच्चाई क्या है टिकट सच्चाई ऐसी कुछ नहीं है मैं कोई टिकट लेने नहीं आया मुझे कोई टिकट नहीं चाहिए मैं यहाँ से लड़ना भी नहीं चाहता क्योंकि यहाँ मेरा दामाद तैयारी कर रहा था इसलिए मैं इधर का कभी सोचा ही नहीं है यहाँ से लतेश तैयारी कर रहा था लोकदल से इसलिए मैं यहाँ आया ही नहीं आप उन लोगों का नाम बता सकते हैं किन लोगों ने विरोध किया ऐसा नहीं है अब जो टिकट मांग रहे हैं जो पार्टी के लोग हैं जो बड़े नेता हैं जो यहाँ नहीं आए जो जन्मदिन मनाने में आने चाहिए थे बीजेपी के लोग वो कौन आया नहीं आए ना तो उनने कोशिश भी की होगी या लोग इकट्ठे ना हो उनने ये भी कोशिश की कि मेरा हेलीकॉप्टर ना उड़े 5 लाख रुपए तो उनने हेलीकॉप्टर की परमिशन के भरवा लिए और उसके बाद वहां से रुकवा दिया प्रयास जारी रहेगा ऐसे मत कर प्रयास जारी रहेगा अजी आपका प्रयास आगे भी जारी रहेगा नहीं प्रयास जारी क्या है मैंने ये तो बोल दिया कि अब तो टिकट वाइए मिलेगा जो यहाँ से है आप जनसभा में पहुंचे हैं हाँ जी आपके